नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो कप शॉप। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रोडस्टर स्पोर्ट्स वॉच के थोड़े सेटिंग्स के बारे में। नाउ एज यू नो, काफ़ी सारे डिजिटल वॉचेस में टाइम सेट करना या डेट सेट करना कुड बी डिफिकल्ट। सो वी आर गोना कवर हाउ टू चेंज डेट, हाउ टू चेंज टाइम सेटिंग्स एंड डेट फॉर्मेट और टाइम फॉर्मेट ऑन दिस स्पेसिफिक वॉच। लेकिन सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी पहुंचे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। तो दोस्तों, हमारे सामने रोडस्टर स्पोर्ट्स वॉच और आज के वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू चेंज द डेट, टाइम, अलार्म एक्सेट्रा ऑन दिस वॉच। नाउ बिफोर वी एक्चुअली गेट इनटू द सेटिंग्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द फंक्शन ऑफ ऑल द बटन्स विच आर अवेलेबल ऑन दिस वॉच। To start from the left-hand side, top left-hand side में आपको light button मिलता है। So once you press this button, you can see the numbers glowing. On the bottom left-hand side, there is a mode button. Now this is the main button which actually allows you to switch between alarm, time setting, date setting, etc., which we will cover in a bit. On the top right-hand corner, you have the start button. It has again, it has multiple functions. अगर आप stopwatch use कर रहे हैं तो it can work as a start and stop. आपके बॉटम राइट हैंड कॉर्नर में देयर इज अ रीसेट बटन। सो दिस बटन इज एक्चुअली यूज्ड व्हेनेवर यू आर सेटिंग टाइम और डेट। सो इट हेल्प्स यू टू मूव बिटवीन आवर, सेकेंड्स एंड मिनट्स। और आपका क्राउन बटन हैज़ अ फंक्शन ऑफ एडजस्टिंग द टाइम ऑफ यू नो द एनालॉग हैंड। एंड द फिफ्थ बटन विच इज़ प्रेजेंट ओवर हियर, दिस इज अ सेकेंडरी बटन फॉर लाइट। अगर मैं इसको फिर से प्रेस करता हूँ तो यू कैन सी द नंबर्स ग्लोइंग। दिस कम्स रियली हैंडी वाइल वी आर डूइंग द यू नो टाइम सेटिंग और डेट सेटिंग, बिकॉज आपका ये जो लाइट का ड्यूरेशन है, इट इज़ नॉट वेरी लॉन्ग, मे बी 3 to 4 seconds. सो इन केस इफ़ यू नीड टू यू नो इफ यू नीड द लाइट फ्रीक्वेंटली, इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग द टॉप लेफ्ट हैंड बटन, यू कैन जस्ट प्रेस दिस विद द थंब एंड इट कम्स वेरी हैंडी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रोडस्टर स्पोर्ट्स वॉच के वेरियस सेटिंग्स मोड के बारे में। वी विल टॉक अबाउट हाउ टू चेंज डेट, हाउ टू सेट टाइम एक्सेट्रा। लेट्स स्टार्ट अप विद द एनालॉग टाइम फर्स्ट। अगर आपको इस वॉच का मिनट या आवर हैंड एडजस्ट करना है तो आपको क्राउन फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्लाइटली पुल आउट द क्राउन एंड वंस द क्राउन इज़ रिलीज्ड, आप इसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम सेट हो जाएगा। वंस द टाइम इज सेट, यू कैन पुश बैक द क्राउन एंड दैट विल लॉक द क्राउन अगेन। वन थिंग टू नोटिस इज जनरली सारे क्राउन जितने भी वॉचेस में आते हैं वो राउंड शेप में ही रहते हैं। इस वाले क्राउन में देर आर लाइक 3 एडिशनल ब्लैक स्ट्राइप सॉर्ट ऑफ अ थिंग विच एड्स अ वेरी गुड लुक टू द वॉच। बट जब आप इसको रोटेट कर रहे होते हैं, एज यू कैन सी ये बीच में अटक जाता है। सो उसकी वजह से इसका मूवमेंट इज़ नॉट वेरी स्मूथ, सो विच आई थिंक यू नो वॉज नॉट नेसेसरी मेरे को। आई मीन इफ दिस ब्लैक स्ट्राइप वरंट देयर, उससे भी कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। बट या आई मीन ओवरऑल इट एड्स अ गुड लुक टू द वॉच, सो चलता है। नाउ हाउ टू एक्चुअली चेंज द टाइम, डेट एंड अलार्म टाइमिंग ऑन दिस वॉच, लेट्स कवर दैट वन बाई वन। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, द मेन बटन दैट वी नीड टू यूज इज द मोड बटन। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो यूज द लाइट बटन इन बिटवीन विच कम्स वेरी हैंडी, विच आई एम गोना शो यू नाउ। So let's switch on the light function first so that you guys can see the numbers clearly. जब आप इस मोड बटन को एक बार प्रेस करते हो तो it will start the stopwatch. Once it is on the stopwatch mode, you can use the start button to start and stop the stopwatch. अगर आपको इसको फिर से जीरो से शुरू करना है तो you can press the reset button and it will reset the numbers to zero and then you can restart your stopwatch. Okay, one thing that I want to tell you is throughout the settings aap ye light function kabhi bhi use kar sakte hain, it will not interfere with the settings that you are doing on this watch. Okay, so once you agar aap mode ko ek bar press karte hain to that will give you your stopwatch. So aapka jo mode button hai wahan se aapko do bar press karna hai and then you will कम टू द अलार्म सेटिंग। बाय डिफॉल्ट आपका सिलेक्शन एरिया आवर में रहेगा। अगर आपको आवर चेंज करना है सो यू कैन क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड चेंज द आवर। अगर आपको आवर सेम रखना है बट आपको मिनट्स मूव करने हैं, देन यू कैन क्लिक ऑन द रीसेट बटन, इट विल चेंज द सिलेक्शन एरिया टू मिनट्स एंड देन यू कैन चेंज द मिनट्स।
स्टार्टिंग. सो वंस अगेन, अगर आप मोड को एक बार प्रेस करते हैं तो इट विल स्टार्ट योर स्टॉप वॉच फंक्शन. अगर आप मोड को दो बार प्रेस करते हैं तो इट विल स्टार्ट योर अलार्म वॉच सेटिंग. और अगर आप मोड को तीन बार प्रेस करते हैं, ऑन द थर्ड बटन इज वेन यू एक्चुअली सी दी टाइम सेटिंग्स. अगर आप देखेंगे तो अभी सेलेक्शन एरिया में सेकेंड्स एरिया मूव हो रहा है. इनकेस आई हैव टू चेंज द सेकेंड्स, आई कैन यूज द स्टार्ट बटन एंड देन इट विल नॉट चेंज द सेकेंड्स बट इट विल रीसेट द सेकेंड्स टू जीरो. अगर आप देख रहे हैं अभी तो 7-8 ब्लिंक हो रहा है, बट वंस आई प्रेस ऑन द स्टार्ट बटन इट विल गो बैक टू जीरो. उसके बाद इफ़ आई हैव टू चेंज द मिनट्स, फॉर एग्जाम्पल मेरे घड़ी में अभी 9:10 हो रहे हैं, सो आई विल क्लिक ऑन द रीसेट बटन. नाउ द सेलेक्शन एरिया इज द मिनट आवर. तो आई कैन प्रेस द स्टार्ट बटन एंड चेंज द टाइम मैनुअली. ओके, एक बार आपका मिनट सेट हो गया, देन यू कैन क्लिक ऑन रीसेट, देन इट विल अगेन द सेलेक्शन एरिया विल मूव टू द आवर साइड. सो लेट मी चेंज द आवर एज वेल. सो नाउ आई सी दैट माय टाइम इज सेट, इट्स 9:00 एंड 9:10 एसेंशियली. सो वंस द सेटिंग इज डन, इफ आई प्रेस ऑन द रीसेट बटन अगेन इट विल नाउ टेक मी टू डेट फंक्शन. ओके, सो एज यू कैन सी टुडे इज़ द 29th ऑफ जुलाई एंड 7:29 इज ब्लिंकिंग. अगर मुझे इसे मैनुअली चेंज करना है तो आई कैन यूज़ द स्टार्ट बटन अगेन एंड इट विल चेंज द डेट. अगर मुझे इसका मंथ चेंज करना है देन आई विल जस्ट क्लिक ऑन द रीसेट बटन एंड देन यू विल सी द मंथ इन सेलेक्शन. तो अभी 7 है, आई कैन चेंज इट टू 8, 9, 10. ओके, सो दैट्स हाउ यू चेंज द डेट ऑन दिस वॉच. सो आपका डेट फंक्शन इज लिंक्ड विथ योर टाइम. अगर आप टाइम एक बार टाइम सेट कर लेते हैं एंड उसके बाद भी अगर आप रीसेट बटन दबाएंगे, सो एसेंशियली द सेलेक्शन विल हैपन फ्रॉम सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स एंड देन आवर के बाद इट विल टेक यू टू डेट फंक्शन. ऑलराइट, सो दैट्स हाउ यू एक्चुअली यू नो डू द सेटिंग्स ऑन दिस वॉच. काफ़ी सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलना चाहूँ तो अगर आप इसको एक बार प्रेस करेंगे तो आपका ये स्टॉप वॉच का फंक्शन देगा. उसको आप दूसरी बार प्रेस करेंगे तो देन इट विल गिव यू द अलार्म फंक्शन. उसको आप तीसरी बार प्रेस करेंगे तो आपको ये टाइम सेटिंग का ऑप्शन देगा. और वंस यू डू द टाइम सेटिंग दैट्स व्हेन यू कैन एक्चुअली डू द डेट सेटिंग एज वेल. आई विल क्विकली शो यू. अभी देखिए सेलेक्शन एरिया सेकंड्स में है, अभी यहाँ पे मिनट में हो गया, अभी यहाँ पे आवर में है. इसको मैं फिर से प्रेस करता हूँ तब जाके ये डेट फंक्शन में आता है. सो काफ़ी लोग को ये डाउट रहता है कि रोडस्टर वॉच में डेट सेटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि देर इज़ नो स्पेसिफिक यू नो ऑप्शन और देर इज़ नो स्पेसिफिक बटन फॉर डेट. सो दिस इज़ हाउ यू चेंज द डेट सेटिंग्स ऑन योर स्पोर्ट्स वॉच. और जब आपका वॉच नॉर्मल मोड में है, व्हेन इट इज़ नॉट इन सेटिंग्स मोड, अगर आपको डेट चेक करना है तो यू कैन क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड देन इट विल शो डिस्प्ले द डेट. ओके, सो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट टुडेज़ वीडियो गाइस. आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको आपके रोडस्टर स्पोर्ट्स वॉच में एटलीस्ट यू नो टाइम सेटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड टू बी रियली फ्रैंक, सारे जितने भी स्पोर्ट्स वॉच हैं इस मॉडल के, उसमें आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं एंड इट विल एटलीस्ट यू नो इट विल बी एप्लीकेबल फॉर एटलीस्ट मोर देन 90% ऑफ द स्पोर्ट्स वॉचेस अवेलेबल इन मार्केट राइट नाउ. सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं. होप यू लाइक द वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.